बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के एरिया में दशम महायज्ञ शुरू हुआ है जो और मेरे ख्याल से इतना बड़ा महायज्ञ पहली बार हो रहा है। सो हेलो गाइज, मैं नीतीश मानिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज बहुत दिन बाद आ गए हम लोग ब्लॉग लेकर, तो बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहे तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, फिर भी आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और बाकी हमारे दोस्त बोलेगा कुछ। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे बकरी बाजार पे, बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है, रात से स्टार्ट है और आज कलश यात्रा भी है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं गाइज। तो आप लोग को हम लोग दिखाएंगे। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं, तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है कि पूरे दो दो पंचायत, बहुत कितना पंचायत है? दो पंचायत नहीं, मतलब बकरी बाजार के जितने भी आसपास गांव हैं, जो भी पंचायत मतलब अपने अपने पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं और यहाँ पे लगभग 500 एक कन्या को बुलाया गया था जो कि पूरे क्षेत्र से आई हैं सब हमारी कन्या। और कलश यात्रा पे अभी चलेंगे लोग, आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम फिलहाल। यहाँ पे राम कथा होगा, रामलीला यहीं पे, ये अभी स्टेज सज रहा है वहाँ पे, बाकी दूर से नज़ारा देखिए। काफ़ी बेहतरीन। और गाइज अब जहाँ पे मेला है लगा है, यहाँ पे झूला उला है गाइज, वहाँ पे लेके चल रहे हैं आप सबको, आइए और दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल दिखाते हैं यहाँ पे झूला उला, काफ़ी बड़ा मेला लगा है और आप लोग आना ना भूलिएगा, यहाँ पे आइए और मेला कीजिए और दर्शन कीजिए माता रानी का, जय माता रानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा मेला लगा और भीड़ भाड़। अभी फ़िलहाल हम थक चुके हैं तो यहाँ पे बैठ रखे हैं और अभी आप लोग को दिखा दें कि पूरा काम अभी प्रगति पे है। इधर देखिए काम धंधा हो रहा है, फ़िलहाल अभी फाइनल तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ आज से स्टार्ट है महायज्ञ। और बस बाकी एक और ब्लॉग आएगा हम लोग का जिसमें पूरा टोटल मेला दिखाएंगे लोग। अभी तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग कि पूरा झूला उला सेट हो रहा है, अभी सेट नहीं हो रखा है, देख लीजिए आप लोग। तो अभी पूरा अच्छा तरह से अभी नहीं फिट हो रखा है, यहाँ पे देखिए वो मौत का कुआं है और ये एक दूसरे का। तो देखिए हम दोनों ब्लॉग करने आए हैं, बाकी ये देखिए हमारा मेरा दूसरा चेला उधर ब्लॉग कर रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है मेरा दूसरा चेला, मेरा दूसरा चेला है। हमारा सिनेमैटिक का भी हम लोग आप लोग को दिखा रहे, सिनेमैटिक का थोड़ा सा मजा लीजिए और बाकी जय माता रानी, जय माता दी जय माता रानी, जय माता दी। आइए आप लोग, और मतलब हमारे होश में हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एक चीज तो बताना भूल गए कि हाँ 1 लाख का यहाँ पे डीजे आ रहा है, 1.5 लाख का डीजे गाइस, तो 1.5 लाख का 1.5 लाख का डीजे देखना होता है ये बकरी बाजार पे। हम लोग दिखाएंगे मेला आएंगे तो अभी फिलहाल ऐसे ही व्यू का मजा लीजिए और बाकी चलिए अब मिलते हैं आगे डायरेक्ट, अब कलश भरने जा रहे हैं लोग ना, कलश यात्रा पे मिलते हैं, चलते हैं लोग आगे। क्या अभी काफी चीज अभी रेडी हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो चलिए मिलते हैं आगे अब कलश यात्रा पे। अब बाकी हम लोग तो लेट हो रखे हैं, देखते हैं कितना दिखाते हैं। काफी ज्यादा भीड़ है गाइस, भैया फोन किए थे बता रहे थे कि आओ जल्दी आओ सब, हम लोग लेट हो रखे हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे डायरेक्ट और मिलेंगे डायरेक्ट वहाँ पे जाके मिलेंगे जहाँ पे कलश भरा रहा है। इतना ज्यादा किया है पूछिए मत। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। पहुंच गए हैं जहाँ पे कलश भराएगा और फिलहाल दिखाते हैं, अभी थोड़ा बहुत लेट हो गया हम लोग को आने में, काफी यहाँ पे भीड़ है गाइज, आके आप लोग बने रहिए, दिखा रहे हमारे भाई मिल गए हैं। क्या भाई ठीक हाल चाल? ठीक है, अपना सुनाइए ना। बस बढ़िया। तो चलो आओ भाई इधर, दिखा रहे यहाँ का नज़ारा काफी मजेदार है।
और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे गाइज, और थोड़ा लेट से पहुँचे हैं। और यहाँ का कलश यात्रा जो रामनगर पे है हम लोग दिखा रहे हैं। अरे एक फ्रेंड मिल गए हैं तो आप लोग को मुलाकात करा रहे हैं। मीट माय फ्रेंड आदित्य कोडी जी, बड़ा यूट्यूबर है गाइज, हम लोग का मतलब मोटिवेट वाला यही देते हैं। तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आप लोग, कुछ बोलना चाहेंगे बताइए आदित्य जी। कौन सा योग है ये महायज्ञ हो रहा है हमारे गांव में, मतलब इसका कोई नाम हो, नाम होगा ना कोई इसका, कौन सा नाम है? श्री श्री 108 श्री श्री 108 श्री बाबा जी करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे क्षेत्र में ये फर्स्ट टाइम है हमारे गांव, बड़ा गांव, मतलब इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है बकरी बाजार। बकरी बाजार अगर जिसको भी आना हो वो आए, और अभी भंडारा चलेगा, भंडारा का भी भंडारा भी चलेगा। तो गाइज आप लोग आइए, भंडारा खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आइए मायोग में, रामलीला होने वाला भी है गाइज, रामलीला भी देखना है, आइए आना ना भूले। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ भाड़ है, तो दिखा रहे हैं ये डांस। हाँ भाई तो अभी हम दिखा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ये कलश भरने आए रखे हैं इसी नदी पे। और अभी ये कौन सा नदी है पता नहीं। अरे इसको कौन नदी जो पश्चिम से आता है, वो पश्चिम क्या हनाटार के साइड से, त्रिवेणी, त्रिवेणी नदी नहीं रही, सिंघा नदी से, सिंघा नदी बोला जाता है गाइस। तो अभी फिलहाल कुछ सिनेमैटिक का एंजॉय लीजिए, सिनेमैटिक लो भाई, सिनेमैटिक ले लिए गाइस, ले लिए सिनेमैटिक, तो अभी दिखाएंगे आप लोग को। बाकी इधर काफी बड़ा लाइन है, भीड़ भाड़ देखिए, क्षेत्र का गाइस काफी मतलब बड़ा महायज्ञ होने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, होने वाला नहीं हो रहा है, हो रहा है, मतलब अभी सिनेमैटिक भी दिखाएंगे हम लोग मेला का भी थोड़ा देर बाद, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा और स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कलश भरा गया है, तो यहाँ से निकल रहे हैं सब, तो आप लोग बकरी के लिए निकल रहे हैं गाय, पानी भरा गया। नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक बस सर। तो फाइनली आप लोग इंजॉय कीजिए, क्या बोलते हैं सिनेमैटिक का, हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी यहाँ पे गाना साउंड पे बज रहा है इसलिए नहीं दिखा रहे ज़्यादा, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट ये। और गाइज 1 लाख का 1.5 लाख का डीजे बनाया है, हाँ 1.5 लाख का डीजे आया, अभी तो ये छोटा वाला आ रखा है, बाकी 1.5 लाख वाला दिखाएंगे आप लोग को थोड़ा देर बाद। गाइस काफी भीड़ हो चुकी है, और इस भीड़ के अंतर्गत हम लोग कुछ नहीं कर पा सकते हैं, हमारे पास ड्रोन भी नहीं है, नहीं तो ड्रोन शॉप करके दिखा देते हैं आज तक।
भैया लोग मिल गए हैं जो जग में शामिल हुए हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, संतोष भैया और दोनों सरजी हैं लोग है। कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के एरिया में दशम महायज्ञ जो शुरू हुआ है, जो बड़ा ही बड़ा महायज्ञ है हमारे ग्राम बकरी बाजार में। आज पहली बार ऐसा महायज्ञ शुरू हुआ है, तो चलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इतना बड़ा दिल से। जो बहुत सी कुआरी सब यहाँ पर नहर पर आए थे और यहाँ पर जल भरकर अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं घर के लिए। घर मतलब बकरी के लिए? हाँ, बकरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग रास्ते में देख सकते हैं, पूरा गरम हो रखा था रोड, तो पानी सब लोग पटा रहे हैं ताकि कन्या सबको गरम ना लगे पाँव पे, हमारे माता रानी लोग को। ये भाई काफ़ी मेहनत कर रहा है सब, देख सकते हैं आप लोग। और पानी पटा रही है, पूरा मेहनत है, सब लोग मेहनत कर रहा है। तो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, अब यहाँ से चलिए जो भी काम के लिए वो होगा उसके बाद दिखाते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, चलिए आगे। तो भाई लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी बड़ा लाइन लगा है माता रानी का, देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं लोग जगह पे। तो अभी यहाँ पे जो भी होगा वो चीज़ हो जाएगा, उसके बाद चला जाएगा आगे। तो अभी पहुँच गए हैं लोग जहाँ पे ये जहाँ पे कलश रखना था यहाँ पे हवन कुंड के पास, तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे रखने के बाद आगे उधर जाना है, देख सकते हैं आप। तो हवन कुंड के पास अब यहाँ पे कलश रखेंगे सब कुमारी कन्या सब, और उसके बाद चला जाएगा आगे वहाँ पे। इन सबको नाश्ता वास्ता करने का व्यवस्था किया गया है और अपना नाश्ता नहीं मिलेगा। चलिए जाके वहाँ पे दिखाते हैं गाइस, चलिए आगे देखते हैं। भाई लोग फाइनली हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और बाकी आप लोग देखें कि अभी सब सजावट हो रहा है और मेला भी लग रहा है, झूला भी लग रहा है। तो बाकी अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, अगले ब्लॉग में सब दिखाएंगे कि क्या कैसे, और पूरा टोटल मेला दिखाएंगे, दुकान उकान सब मेला क्लियर हो जाए। आज तो पहला दिन है गाइस जो कलश यात्रा के लिए गए थे, अब मेला टोटली अभी ब्लॉग बाकी, आप लोग बने रहे। और ये फेस पे ना जाइएगा क्योंकि धूप बहुत था। और बाकी इधर देखिए एक बार और नजर पूरा देख लीजिए, इधर स्टेज बन रहा है, उधर रामलीला होगा अगले ब्लॉग में, अभी धूप काफी ज्यादा किया है। तो चलते हैं हम लोग अब घर। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आप प्यार सपोर्ट दिखाइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए वीडियो को, एंड बाय बाय। अभी सोमेश्वर मेला बाकी है गाइस, सोमेश्वर धाम। हाँ, एक बात आप लोग को अपडेट कर दे कि हाँ ब्लॉग अब कंटिन्यू आएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। सो चलिए बाय बाय बाय।